जा रहे हैं एक लड़के को उठाने, क्योंकि आपको पता होगा हमारे क्रेन पे कोई हेल्पर बंदा है नहीं, तो साथ साथ अकेले होते हैं, तो हमने सोचा एक बंदा रख लेते हैं। तो हमें पहले बंदा मिल नहीं रहा था और कल हमें एक बंदा मिल गया, जो कि बोल रहा है कि मैं काम करूँगा। अभी हम जा रहे हैं उसको उठाने के लिए, देखते हैं कि वो काम कर पाता है कि नहीं। अभी जा रहे हैं वहीं पर। नानी पैदावार इतनी हस्ते नहीं, फसल हस्ते नहीं, दान मान हस्ते नहीं है। अच्छा बेटा दान ब्याह है। दोस्तों ये तिल की फसल अभी कटाई कर रहे हैं भाईजान। दोस्तों हमने भाई को उठा लिया, अभी चलते हैं क्रेन की तरफ, भाई साहब को बुलाते हैं, उसके बाद फिर और दो तीन काम है वो करते हैं, तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर और लड़के को भी पहुंचा दिया है, उस्ताद साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखें ये कोई शेड की कैंचियाँ वगैरह हैं ये रख रहे हैं। दो इन्होंने रख लिए हैं, बाकी मेरे ख्याल से दो या तीन रहती हैं, अभी तीन और रहती हैं, टोटल पांच कैंचियाँ। Three days later. बंद कर रहे, देखो बंद कर रहे, बंद पकड़ के छोड़, बंद कर ये भर्ती में यार तुक मैं क्या गया शरीफ कबूतरी बाज यार तू परवान में तू रखता बैठा करो बंद कर रहे दोस्तों ये दूसरे भाई की कबूतर हैं, वो वाली आपको मैंने दिखा दी थी, इनका कोई रेस चल रही है इनके दरमियान, कोई रेस वगैरह चल रही है कबूतरों के दरमियान में इनके, मेरे ख्याल से वो भाई भी इसकी पकड़ रहे हैं और ये उन भाई साहब की पकड़ रहे हैं, कोई बैट वगैरह लगा हुआ है इनका। मैंने सोचा कि रास्ते के ऊपर ठहरे हुए आपको भी दिखा दें। ये देखें दोस्तों ये तिल की फसल है, अभी इसको थ्रेशर लगनी है दोस्तों, बाकी ये तैयार है, अभी इसको थ्रेशर लगनी बाकी है। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम आ गए हैं लियाकत के पास, और आपको याद होगा आज से कोई दो तीन दिन पहले हमने अपनी गंदम ऊपर वाले कमरे से उठाकर फार्म में ले आए थे, तो उसकी सफाई भी करवानी थी, जो कि अख्तर ने भी निकाल लिया है, और उनको धूप पे बाहर तरपालों पे रख दिए गंदम को, कुछ कीड़े वगैरह थे उनमें, तो उनको अभी स्प्रे वगैरह भी देंगे, तो इंशाल्लाह आज या कल फिर उनको अंदर रख देंगे वापस ड्रमों में। तो अभी हम आए हैं लियाकत के पास, यहाँ से स्प्रे वगैरह उठाते हैं और फिर चलते हैं फार्म, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे रूटीन। दोस्तों अभी हम आ गए हैं लियाकत भाई के पास। लियाकत भाई क्या हाल है आपके? खैरियत, ठीक हो? खैरियत से। ये क्या किया हुआ है आपने आज? तो मकान अपना लेपे में दिया है 50,000 में। अच्छा 50,000 में? जी हाँ। फिर 50,000 से खुद लेपा मार लेते फिर वो सही नहीं था? नहीं नहीं वो दूसरे लोगों को दिया है। अच्छा ये पानी यहाँ से गारा बनाया हुआ है? अच्छा फिर अभी कितना कितना काम रह गया और कितना हो गया? काम अभी बहुत बकाया है, थोड़ा हो गया है। अच्छा दोस्तों आपको भी दिखाते हैं ये ध्यात का, देखें किस तरह अभी जिस तरह के हम शहर में
प्लास्टर करते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये भाई साहब ने इनको लेपा दिया हुआ है, ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये आप देख लें, ये भाई हाथ का कमाल है लियाकत भाई, हाथ का उधर तो अच्छा लेपा है, अच्छा लेपा है, बिल्कुल अच्छा लेपा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये छत भी लेपा करोगे इसके? सारा अच्छा। चलो यार वो स्प्रे तो ले आओ, हमने वो गंदम को स्प्रे रखा हुआ ले आए हो ना दोस्तों। ये देखें ये स्प्रे हमने देने गंदम को, जिस पर सील है इधर लाओ खोलते हैं, खोलो लेखत भाई। ये दोस्तों हमने जो गंदम को लगानी है, हाँ ये देखें दोस्तों ये सील पैक बंद है अभी लियाकत भाई। चलो फिर कोई टैंकी का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद फिर स्प्रे वगैरह देते हैं इंशाल्लाह। फिर अभी कल या आज रखना होगा अंदर क्लोटियों में? कल धूप लगे उसके बाद? हाँ उसके शाम के बाद। अच्छा चार पाँच बजे, क्योंकि दिन को धूप लगेगा उसको। जी। अच्छा तो कीड़े शीड़े मर जाएंगे? हाँ पाक साफ हो जाएगा। अच्छा फिर मतलब है कोई मसला तो नहीं है गंदम को, खराब तो नहीं होगी? ये सब प्रे है, बस क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों चलते हैं वहाँ पर फार्म वाली साइड पे और आपको गंदम भी दिखाते हैं जिसको कीड़ा लगा हुआ है, और उसके बाद फिर उसको स्प्रे भी करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं अभी वहीं पर। अस्सलामुअलैकुम बता सही क्या हाल है? हाँ सारे के ने पूछी बता, मेरा जिम्मेवारी है तो गुजरा आग से ही बारो मैं बैठे लियाकत खान बैठे। बिजली वाली चाहिए। ये देखें दोस्तों ऊंट माशाल्लाह कितना प्यारा ऊंट है। ये इस तरफ भाई साहब ने बदखें रखी हुई है। उस तरफ वो बड़ी बदखें हैं दोस्तों, और इस टाइम मौसम भी जबरदस्त है। ओ गोदा सही बिस्मिल्ला, गोदा सही क्या हाल है? ठीक है खैरियत है तबीयत से? ठीक है खैर है। कितना पत्त भी का लते? अच्छा डीएपी दा ए ओ खाद दा ए ओ हाल दा अच्छा। दोस्तों अभी असल में अंदर इनके बच्चे हैं जो कि गाय वगैरह का दूध निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं तो हम आपको अंदर का विज़िट कराते। इन्होंने जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं। फ़िलहाल आप देखें ये मुर्गी निकली है, ये आपको दिखा देते हैं। बाकी वो बता रहे हैं कि अंदर हमारे बच्चे हैं जो कि गाय वगैरह का दूध निकाल रहे हैं, इसलिए हम भी अंदर नहीं गए। तो यहाँ से स्प्रे वाली टैंकी उठाते हैं और चलते हैं फिर फार्म, क्योंकि हमारे पास जो ड्रम है वो बड़े हैं, एक है लेकिन वो छोटी ज़रीन वाले ज़मीनों पर पड़ी है, तो इसलिए हमारा काम भी तकरीबन कोई 10-15 मिनट का काम था, इसलिए साथ वाले दोस्त से उठा रहे हैं जो कि ज़मींदार हैं, तो उठा के फिर चलते हैं फार्म वाली साइड। बिड़दा नहीं ये बिड़दा मैं उतरकाया ही हां हकी कसम मैं उतरकाया यार बिड़या साफ कसम वल्ला अदा तू सांवड़ो है ना तेरा हेला के तेरा हेला खोसी हां बिड़दा नहीं शरीफ है ए वडे को दे जाए तो डुंदा काय नहीं क्या कर रहे हो? आपसे एक मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं होता भाई यार, ये खराब हो गया। खराब नहीं हो गया आपका, अभी जिस्म में ताकत नहीं रह गया। मैं स्टार्ट करूं? हाँ स्टार्ट करो। दिमाग नहीं है अभी क्या करें, ये सलाफ किस लिए लगाया हुआ है यार, ये चाबी खराब है इसका। सबर हाँ अभी किस तरह हो गया? ओए प्लग वाला तार तुमने लाया। ठीक है गोदा मेहरबानी। दोस्तों अभी चलते हैं वापस फार्म, क्योंकि हमें टैंकी नहीं मिली। वो भाई बता रहे हैं कि कोई और बंदा ले गया। अभी
देखते हैं टैंकी मिलती है तो इंशाल्लाह लगाते हैं इसको, नहीं तो फिर अपनी टैंकी ले आएंगे सुबह, फिर इंशाल्लाह इनको स्प्रे करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें टैंकी नहीं मिली, हमारे पास है लेकिन वो बड़ी वाली टैंकी है, वो ट्रैक्टर के साथ चलती है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं जिस भाई के पास टैंकी रखी हुई थी, उनने कॉल किया कि आप आ जाएं मेरे घर से उठा लें। और ये देखें इस तरफ, ये अब टित्तरें देखें, ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, बाकी ये दोनों एक तरह हैं, बल्कि ये भी थोड़ा सा है डिफरेंट। लियाकत भाई बुला रहे हैं उनको, बच्चे निकले हैं उनके, देखते हैं अगर टैंकी मिलती है तो। लियाकत भाई भी किधर चल रहे हैं? आ गए दोस्तों अभी इस भाई के घर, देखते हैं यहाँ पर मिलते हैं लियाकत भाई, दरवाज़ा खड़काएं इसका। छे छे का रखने को बोला औला फलूदा वे क्षेत्र देरी है या दे फलूदा वर्त सके। हां हां बड़े पेशे ने इस तो की लगा के थे पहचानी होटल कसते। अच्छा हां नहीं कर तुम बड़ा ये ना जोड़ माल तो शिफ्टी के इधर रख की रखनी है। फाइनली दोस्तों टैंकी आ गई है, मुझे दे दें लियाकत भाई, अब बाइक चलाएं, अभी चलते हैं दोस्तों, टैंकी हमने उठा लिया, चलते हैं अभी फार्म और स्प्रे करते हैं गंदम को। आ जाओ लियाकत भाई जल्दी, क्या वजह यार? मेरे ख्याल से इसका प्लग ख़राब होगा आज, तो उससे इसमें स्प्रे था वो हम गिरा देते हैं, पता नहीं किस तरह का स्प्रे है, हमारे मतलब का है नहीं। सख्त है, सख्त स्प्रे था, आंखें जल गई हमारी। चलो लियाकत भाई चलो मेरे भाई, तो ये इंशाल्लाह इसको लियाकत भाई बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद इसको थ्रेशर लगेगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये इसका थ्रेशर का भी वीडियो बना के दिखाएंगे। लियाकत भाई कितना टाइम लग जाएगा भैया? तेल है इसमें, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा दिन में पता नहीं कितने वीके निकालती होगी थ्रेशर? दो वीके? ये तो अच्छा खासा टाइम ले रही है यार। ये अच्छा 5 दिन बहुत टाइम लगा रही है यार। दस दिन तो नहीं है, नहीं भैया ब्रेक 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 चीज होता है। नहीं इसका टाइम क्या, किस वजह से टाइम ज़्यादा ले रही है लेकिन भाई? ये वजन ही नहीं है। अच्छा इसलिए ये स्लो स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा। अच्छा ये अख्तर भाई, क्या अख्तर सेठ क्या हाल है आपकी? ठीक हो खैरियत है? ये देखें दोस्तों अख्तर भाई ने यहाँ पर इनको गंदम को रखा हुआ है, अब इनको खोल के इनके ऊपर स्प्रे करेंगे। हमारी बकरियाँ भी आ गई हैं, अभी घर को जा रही हैं। जा रहे हो लियाकत? रवे गए यार मैंने यार। दोस्तों इनको रोटियाँ देते हैं, घर से लाए थे इनको रोटियाँ दे देते हैं। ये भी दोस्तों इंतज़ार में होती है कि कब आएंगे, रोटी वगैरह देंगे। वैसे रात को भाई को हमने गंदम दी हुई है अख्तर को, वो अपने इनकी रोटी घर से बनवा के ले आते हैं, डेली इनको दो दो रोटियां देते हैं रात के टाइम। अख्तर भाई कितना रोटियां देते हैं उनको एक एक कुत्ते को दिन को? दो। अच्छा ओए लड़ रहा है, ये बोल रहा है मेरा खाना कोई ना खाए। चल
ब्याह लालू सेठ ब्याह वालेकुम सलाम बड़ा है लालू सेठ तकड़ा है चलें बड़ा है तकड़ा है रहते भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही दुआ है रहते दुआ है लालू सेठ रहा कहाँ जुजरा उदा दान खिंडनगी को हाँ नहीं मसापरे यार था सपरे चक्का जूनिस तरह स्वाद बेड़ों ने शबांगो तक का मतलब है बुआ से केर मेरे मुरत पूरा ये मिनट में मैं यार रेम है लेकिन मैं से रेम आ सटू हां उड़ा हर के कार्य खन की चलो लहम ता बढ़िया खाना अपना सब ठीक है सब में होला कई भला ना तो बे बे माल है दम ये रेम से कन में सा माल है ला के आ का दिन घर कर तो बे हम ता का रेवा पूजे ना सही मोड़ सकला लेकिन एक एक तबड़ी रखा बस आगो देर पे गिना दोस्तों भाई घास का काट रहे हैं दुम्बों के लिए जो हमने आपको पिछली व्लॉग में दिखाए थे तो अभी घास काटते हैं ये भाई बोल रहे हैं कि हमें भी बचा दें उसके बाद फिर आके गंदम को स्प्रे करते हैं चलो तो चलो ये दोस्तों अभी हम आ गए घास वगैरह डाल के दुम्बों को हाँ डक कर दो गिनती ये आफ मुताब का सटी अभी यहाँ पर ये गंदम दोस्तों इसको थोड़ा सा खींचेंगे इसको थोड़ा सा मतलब है इसको पतला करके फिर इसके ऊपर स्प्रे देंगे इंशाल्लाह दोस्तों इस तरफ अख्तर साइड ढक्कन सेट या हम दवाई बना रहे हैं पानी डाल के फिर इंशाल्लाह इसको स्प्रे करेंगे ये देखें दोस्तों ये कीड़े हैं इनके ऊपर नीचे क्योंकि धूप से दोस्तों ये फिर नीचे चली जाती हैं गंदम के नीचे और ये सारी इन्होंने खा लिए आटा बन गया इनका ये मैं आपको दिखाऊं इन्होंने सुराख किया हुआ सारी गंदम को जैसे खोखला कर दिया इनको ये देखें दोस्तों खोखला कर दिया इसको अभी इसको स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह फिर ये ख़त्म हो जाएगी ये देखें दोस्तों आटा बना दिया इसको दोस्तों अभी स्प्रे कर रहे हैं अच्छी तरह नीचे छुपे हुए हैं यहाँ पर नीचे करेंगे ये देखें दोस्तों हमारे पाँव आटे से भर गए कुछ देर हमने दे दिया अभी अख्तर भाई देंगे कतरे लता जाना ना पुरुष दोस्तों हमारे पाँव की हालत देख लें हाँ फाद आर्थ भी हाँ पाँव की हालत देख लें अभी भाई से हमने पानी मंगवाया भाई पानी ले आएंगे इंशाल्लाह अख्तर भाई के भी पाँव देख लें दोस्तों हम पानी पे डालते हैं पाँव पे साफ करते हैं उसके बाद फिर दोस्तों अभी स्प्रे लगा दिया अख्तर ने और इस तरफ हमने अपने पाँव भी धो लिया तो इनको फिर बंद करते हैं और इकट्ठा करके इनको बंद करते हैं और इंशाल्लाह सुबह फिर इसको ड्रमों में डाल देंगे क्योंकि रात को अगर ये बंद रहेंगी तो इनको फ़ायदा होगा जो भी अगर कीड़े वगैरह हैं बच्चे कुचे वो भी फिर ख़त्म हो जाएंगे मर जाएंगे
अभी भाई साहब लोगों ने बंद कर दिया इसको, तो इंशाल्लाह सुबह इसको खोलेंगे। दोस्तों हमने अपना दूध भी उठा लिया है और अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल